आपने मेहमान नवाजी के कई तरीके देखे होंगे, लेकिन क्या आपका किसी डायनासोर ने स्वागत किया है? जी हाँ, एक खबर के अनुसार जापान की पूर्वी टोक्यो में एक होटल में आने वाले मेहमानों के स्वागत की जिम्मेदारी खुद डायनासोर को सौंपी गई है। हालांकि इस खबर को पढ़कर कमजोर दिल वालों को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायनासोर असली नहीं है बल्कि रोबोट है। अजीब बात यह है कि डायनासोर तब तक कुछ नहीं कहते और करते जब तक होटल में आने वाले लोग खुद रिसेप्शन पर जाकर कोई सवाल नहीं करते या फिर कोई जानकारी नहीं मांगते। अब आप सोच रहे होंगे, ऐसा क्यों? तो इसकी वजह ये है कि इन रोबोटिक डायनासोर को आने वाले मेहमानों के बारे में तभी पता चलता है जब वो रिसेप्शन पर पहुंचते हैं और वहां मौजूद सेंसर से उनकी गति की जानकारी होती है। इसके बाद ही वे कहते हैं स्वागत है ना विचित्र। तो जान लीजिए एक और अनोखी बात, इस जापानी होटल का नाम है हेन्ना, जिसका मतलब होता है वियर्ड या अनोखा। ये जापान का खासा मशहूर होटल है। बताया जा रहा है कि ये जापान का पहला ऐसा होटल है जिसमें डायनासोर रोबोट काम करते हैं। यहाँ पर डायनासोर रोबोट की एक जोड़ी रिसेप्शन पर मौजूद रहती है, जिसे देखकर हॉलीवुड फिल्म जुरासिक पार्क के डायनासोर याद आ जाते हैं। विशेष बात ये है कि ये रोबोटिक डायनासोर आने वाले अतिथियों को उनकी भाषा चुनने का विकल्प भी देते हैं। इन रोबोट के पास एक टैबलेट सिस्टम मौजूद है, जिसकी मदद से वे लोगों से जापानी, अंग्रेजी, चीनी और कोरियाई जैसी और भी भाषाओं से बातचीत कर सकते हैं। होटल के रिसेप्शन पर मौजूद रोबोट डायनासोर की यह जोड़ी बेहद आकर्षक लगती है। ये बड़े कद के हैं और इनके हाथ काफी लंबे हैं। होटल की खासियत यही खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ के हर कमरे में एक मिनी रोबोट भी मौजूद रहता है। ये रोबोट मेहमान के कहने पर टीवी का चैनल बदलने से लेकर उनके ऑर्डर प्लेस करने तक का सब काम करने में मदद करता है। साथ ही होटल की लॉबी में एक ऐसा एक्वेरियम है जिसमें मछलियाँ बैटरी से तैरती हैं और इस दौरान उनके शरीर में बिजलियाँ चमकती रहती है। करण खुराना, पंजाब केसरी, दिल्ली।